हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो मैं VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। गाइस, VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर आना है और गाइस यहाँ से आपको ये वाला लिरिक्स वाला वीडियो ऐड कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपको सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने 10 फ़ोटो ऐड कर लेने हैं। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको सिंपली एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पर आपको ओरिजिनल में क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9x16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले आइकन पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर आना है और यहाँ से आपको ये वाला म्यूजिक ऐड कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपको सिंपली म्यूजिक बीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट बीट आपको 11 सेकंड में ऐड करनी है। बीट वाले आइकन पे क्लिक करके इसी प्रकार का आपको लास्ट बीट ऐड कर लेनी है। मैंने कर ली है। बीट का ड्यूरेशन आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको उस हिसाब से बीट ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आपको टोटल 10 बीट ऐड करनी है। उसके बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा वीडियो लेयर को जूम कर लेना है, ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो। उसके बाद गाइस आपको ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट पे स्क्रॉल करना है और ये सर्कल वाला आपको एनिमेशन ऐड कर लेना है और इसका ड्यूरेशन आपको 0.40 सेकेंड रखना है और राइट पर क्लिक करके बंद कर देना है। फिर आपको एक स्किप करना है और अगले वाले प्लस वाले आइकन पर आना है और इसमें भी आपको सर्कल वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है और इसका ड्यूरेशन आपको 0.80 सेकेंड ही रहने देना है। उसके बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। फिर आपको ऐसे एक स्किप करके गाइस लास्ट तक ऐड कर लेना है। मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद गाइस आपको बैक आना है और ब्लैक लेयर को आपको डिलीट कर देना है। अब गाइस आपको फिर से वीडियो के फर्स्ट में आना है। उसके बाद गाइस आपको लिरिक्स को और फोटो को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे बीट पे क्लिक करके ऐसे कुछ इस प्रकार फ़ोटो पे क्लिक करके और स्क्रॉल करके आपको इसको बीट तक रख लेना है। इस प्रकार गाइस आपको सभी फ़ोटो को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। अब गाइस फिर से आपको वीडियो फर्स्ट में आना है और थोड़ा लेयर को जूम कर लेना है, ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो। अब गाइस आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में आना है, इफेक्ट्स में क्लिक करना है और इसमें आपको एक्सपेंड वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है फर्स्ट से लास्ट तक और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके इसे सभी में अप्लाई कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस, ये सभी में ऐड हो चुका है। तो आपको लिरिक्स में आना है और इसमें से ये इफेक्ट आपको रिमूव करना है। तो रिमूव पे क्लिक करके और राइट पे क्लिक करके इसे रिमूव कर देना है। अब गाइस आपको ये वाला इफेक्ट इसमें फर्स्ट वाले फ़ोटो में रहने देना है, अगले फ़ोटो में आना है और इसमें इसकी जगह और इसमें आपको एक्सपेंड की जगह स्लाइड राइट वाला इफेक्ट ऐड करना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। अब गाइस आपको ऐसे एक फ़ोटो स्किप करके अगले फ़ोटो में आना है और इसमें इफेक्ट्स में क्लिक करके आपको एक्सपेंड की जगह स्लाइड राइट वाला इफेक्ट लास्ट तक ऐड कर लेना है। इस प्रकार गाइस आपको सभी फ़ोटो में ऐड कर लेना है। मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो गाइस हमारा वीडियो बन के हो चुका है तैयार, तो मैं सिंपली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और राइट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है और गाइस यहाँ पे कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना।